हेलो दोस्तों, आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूफ के बारे में बात करेंगे, जो कि हम लोग के तीन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो पहले प्रूफ करने से पहले हम एक बात और बताना चाहूंगा कि हम लोग दो और नए यूट्यूब चैनल क्रिएट किए हैं, जिसमें पहला है द एक्सपर्ट्स रूम और दूसरा है एक्सपर्ट्स ओपिनियन। द एक्सपर्ट्स रूम में हम लोग सभी हिंदी वीडियो डालेंगे रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और दूसरे भी एकेडमिकल सब्जेक्ट्स को। और एक्सपर्ट्स ओपिनियन में हमारे जितने भी सीनियर एक्सपर्ट्स होंगे वो लोग अपना ओपिनियन और वीडियो डालेंगे। तो आज हम इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ जो भी है उसको हम द एक्सपर्ट्स रूम के चैनल पे अपलोड करेंगे और द एक्सपर्ट्स डेस्क के चैनल पे अपलोड करेंगे। तो आप जल्द से सब्सक्राइब कर लें ताकि एक भी वीडियो आप मिस ना करें। सो हम बारी बारी से प्रूफ करेंगे एक एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। सो अपना पहला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। सो प्रूफ करने से पहले हम लोग को एक बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानना होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता क्या है? आपको पता होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन, यहां से हम लेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉसिक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो साइन थीटा पता ही होगा अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस और टैन थीटा जो होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपना बी जो है राइट एंगल ब्रैकेट 90 डिग्री है। कॉसिक थीटा जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ साइन का है, 1 बाय साइन थीटा जो हाइपोटेन्यूस बाय अपोजिट होगा। सेक थीटा जो है 1 बाय कॉस थीटा जो कि हाइपोटेन्यूस बाय अपोजिट होगा और कॉट थीटा जो है एडजेसेंट बाय लिख सकते हैं 1 बाय टैन थीटा जो होगा एडजेसेंट बाय अपोजिट। टैन थीटा का दूसरा भी फॉर्मूला है जो कि है साइन थीटा बाय कॉस थीटा और सिमिलरली कॉट थीटा जो रेसिप्रोकल है टैन का जस्ट हम रेसिप्रोकेट कर देंगे जो कि होगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सो ये बेसिक हम लोग को नीड है इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए। तो मैंने एक सर्कल लिया है उसका रेडियस आर है और जो आर्क बना है ये आर्क लेंथ एल मान लेते हैं और इसका एंगल जो है थीटा है। तो हम सेंटर ओ मान लेते हैं, ये साइड ए मान लेते हैं और ये साइड बी मान लेते हैं जो कि परपेंडिकुलर है ओ बी। अब हम इस ट्रायंगल और इस राइट एंगल ट्रायंगल को देख के सॉल्व करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा और टैन थीटा का वैल्यू निकालेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले हम साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा जो रेशियो है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस और इस ट्रिगोनोमेट्रिक और इस राइट एंगल ट्रायंगल पे हम देख रहे हैं साइन थीटा जो है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस है, अपोजिट जो है अपना ए बी है, हाइपोटेन्यूस है ओ ए जो कि ओ ए वैल्यू आर है जो कि सर्कल का रेडियस है। तो यहां से हम निकाल देंगे ए बी इक्वल टू आर साइन थीटा। सिमिलरली हम कॉस थीटा निकाल रहे हैं, कॉस थीटा जो होगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस होता है सो ओबी बाय ओए सो ओबी बाय आर सो ओबी वैल्यू जो हो जाएगा आर कॉस थीटा। अब हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल एओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। हम जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं, ओए का वैल्यू जो है आर है तो आर स्क्वायर, ओबी का वैल्यू आर कॉस थीटा जो है आर कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस एबी का जो वैल्यू है
आर साइन थीटा है, आर साइन थीटा होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग कॉमन कर लेंगे आर स्क्वायर यहां से, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि आर स्क्वायर स्क्वायर गेट कैंसिल, सो वन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये अपना पहला आइडेंटिटीज है। सो मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं, जस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से मैंने ये फर्स्ट आइडेंटिटीज प्रूव किया है। सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटीज हम फर्स्ट आइडेंटिटीज के हेल्प से प्रूव करेंगे। हम देख रहे हैं कि वन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम यहां पे लिख रहे हैं, जो अपना दूसरा आइडेंटिटीज होगा मैं यहां पे ड्राइव कर रहा हूं। नाउ वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, जो अपना पहला आइडेंटिटीज है मैं यहां पे लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। मैं इसमें डिवाइड करूंगा कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड, तो क्या आता है कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड, सो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा वन बाय कॉस, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस जो होता है सेक होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा ये वन हो जाएगा, साइन बाय कॉस टैन होता है टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये अपना दूसरा आइडेंटिटीज है। तीसरे आइडेंटिटीज में हम डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। डिवाइड कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटीज में, जो कि यह है साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसिक, सो हम लिख रहे हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस कॉस बाय साइन कॉट होता है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। सो ये अपना तीसरा आइडेंटिटीज है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल से हमने प्रूव किया ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो ये वेरी सिंपल था, और हमने राइट एंगल सर्कल से यूज किया और रेशियोज निकाले इन टर्म्स ऑफ साइन, ए वी वैल्यू ओ वी वैल्यू और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, और जस्ट मैंने पहले फर्स्ट आइडेंटिटीज को प्रूव किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, और उसके बाद मैंने कॉस स्क्वायर थीटा एक बार डिवाइड किया और दूसरी बार मैंने साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड किया फर्स्ट आइडेंटिटीज में, तो हमने सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटीज को प्रूव कर पाया। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट बिलो एंड यू प्लीज लाइक द वीडियोज, थैंक यू।